ये पिथौरागढ़ वालों के लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ तक प्रारंभ हो रही एयरलाइंस एयर की हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर धामी ने कहा, जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली से पिथौरागढ़ हेतु प्रारंभ हो रही एयरलाइंस एयर की हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ करते हुए कहा कि विमान के संचालन से सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में एयर कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी। देश की राजधानी की कनेक्टिविटी सीधे तौर पर पिथौरागढ़ से जुड़ रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कैम कार्यालय देहरादून में इस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आज औपचारिक रूप से विमान सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा, पिथौरागढ़ से दिल्ली जाने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी एवं समय की बचत होगी। साथ ही पिथौरागढ़ क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निरंतर सीमांत क्षेत्र का विकास शीर्ष प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में हवाई सेवा का विस्तार हो रहा है। उल्लेखनीय है कि एलायंस एयर विमान दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल T3 से पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट के लिए आगामी अप्रैल माह से नियमित रूप से चलेगा, जिसका किराया लगभग 7,000 रुपये होगा तथा पिथौरागढ़ से दिल्ली की यात्रा में करीब 1 घंटा लगेगा। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, अवर सचिव सी रविशंकर, स्टेशन मैनेजर एलायंस एयर आरती शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।